नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव मिश्रा हुआ। मैं आज एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा। तो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, ये क्या बोल रहा है, हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा। हमारा तो एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी 2019 की इलेक्शन जीतती है मेजोरिटी के साथ, 272 सीट है जो लोकसभा में, उससे ज्यादा ले आती है, तो मैं समझता हूं कि 2020 तक हिंदू में मतलब इंडिया में हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि लोकसभा में अगर मेजोरिटी में आती है 2019 में, जो इलेक्शन आने वाला है हम लोग का जनरल इलेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि 2020 तक राज्यसभा में बीजेपी मेजोरिटी में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 2019 में इलेक्शन होने वाला है, 2019 में अगर बीजेपी जीत रही है, ठीक है जीत गई तो लोकसभा में मेजोरिटी में आ गई, और 2020 में राज्यसभा में मेजोरिटी में आ गई, और अभी बीजेपी के पास 15 से ज्यादा राज्य है उसके कब्जे में, उसका विधान सभा में, वो 15 से ज्यादा राज्य में वो रूल कर रहा है। तो मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूं, देखिए ये है इंडियन पॉलिटी, ध्यान से देखिएगा इंडियन पॉलिटी। ये मुझे नहीं लगता अब ये आगे 2020 के बाद जरूरत पड़ेगा। आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो मैं इसका एक चैप्टर आपको दिखा रहा हूं जो है अमेंडमेंट। मैं आपको संविधान के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है। रुकिए थोड़ा सा, देखिए, हाँ देखिए, ये जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए यहां पे आएंगे आप, तो यहां पे तीन चार टाइप के अमेंडमेंट दिखा, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और यहां पे है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा है देखिए यहां पे बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है, और 15 स्टेट से ज्यादा में मेजोरिटी है, जीती हुई है। तो अगर सरकार के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर सकता है, लोकसभा में मेजोरिटी, राज्यसभा में मेजोरिटी, 15 स्टेट से ज्यादा में वो पावर में है, सरकार जीती हुई है, तो अगर एक बिल पास कर देगी, अमेंडमेंट बिल, तो अगर इतना पावर आ जाता है सरकार में, ये जानिए कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सकता है, सरकार पूरा हम लोग का संविधान को बदल सकता है। तो 2020 तक राज्यसभा में मेजोरिटी में आ जाएगी, तो मुझे लगता है 2021 में शायद हम हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन सके। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो होगा क्या, ये बहुत ही सोचने वाली चीज है। हिंदू राष्ट्र बनता है तो होता है क्या, होगा क्या, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं समझता हूं एक सेंटिमेंटल हैप्पीनेस आएगी हिंदुओं को, शायद ये रीजन होगा। क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो सबसे पहला हमला जो इंडिया में हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने वही आपका 1100 ईस्वी में हमला किया था, वो सिंध पे हमला करने के बाद वो जीता, और जीतने के बाद सिंध में जितने भी लोग थे, जितने भी मेन थे, जितने भी आदमी थे, सबको मार देता है। क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब से आता है, वो सिंध में हमला करता है, और वहां का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है राजा धार, उसको मार देता है, जीत जाता है, और 3 दिन के अंदर जितने भी पुरुष थे उस राज्य में सबको मार देता है, और जितनी भी महिलाएं थी सबको बंदी बना के अरब ले जाता है, स्लेव बना के। वैसा ही फिर उसके बाद एक आक्रमण होता है मोहम्मद गजनी का, जो कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है, और फिर से आपका उसके बाद एक हमला हो रहा है मोहम्मद गौरी का, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है,
और फिर उसके बाद देखेंगे मतलब खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब बहुत सारे मंदिरें तोड़े हैं, मंदिरें तोड़े इन्होंने और फिर उसके ऊपर मस्जिद बनाया। तो शायद ऐसा मतलब एस्टिमेट में है कि मतलब 2000 से ज्यादा मस्जिद जो बनी हुई है वो मंदिरें तोड़ के बनी हुई है। मतलब मंदिरें तोड़ दी, जितने भी मूर्ति सबको लूट के ले गए, जो सोने वोने की है, और जो मतलब पत्थर की मूर्ति है उसको दफना दिया गया नीचे। दफना दिया गया नीचे, दफनाने का रीजन था कि मतलब कोई भी आए तो उनमें पैर रख के आए, मतलब ये मुस्लिमों का मतलब टैक्टिस था हिंदुओं को बेइज्जती करने का। तो मतलब और उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया, जैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। आप देखेंगे बनारस में एक मतलब ज्ञान वापी मस्जिद है, जो मतलब काशी विश्वनाथ की जो मंदिर है उसको तोड़ के औरंगजेब ने बनाई थी जबरदस्ती। औरंगजेब का शासन तो मतलब बहुत ही क्रूर था, वो मथुरा में कम से कम नहीं उतनी वो 10 से ज्यादा मंदिरें तोड़ा था। और ऐसा माना जाता है कि मतलब मथुरा का नाम बदल के वो इस्लामाबाद रख दिया था। और इस्लामिक हिस्ट्री का हमारे मतलब यूपी बिहार में आप देखेंगे बहुत ही प्रभाव पड़ा है, जैसे कि हमारे कल्चर में प्रभाव पड़ा। सती प्रथा जो है ये मतलब मुसलमानों से लड़कियों को बचाने के लिए की गई, कि मतलब मुसलमान उठा के ना ले जाए इसीलिए जला दो इन्हें, ये उसके पीछे रीजन था। और बहुत सारे रात को शादी, मतलब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट से बहुत ही ज्यादा खतरा हुआ हमारे देश। तो मतलब शायद हिंदू राष्ट्र बने तो ऐसा हो कि मतलब जो 2000 मस्जिदें बनाई गई हैं मंदिरें तोड़ के, वो शायद फिर से मंदिर बनाई जाए, क्योंकि मंदिर तोड़ने के दौरान बहुत सारे लोगों की जान गई है। जैसे सोमनाथ मंदिर में पहला जो हमला हुआ था उसमें 50,000 लोगों की उसको बचाते वक्त जान चली गई थी, 50,000। ये मैं कोई संघ का साहित्य पढ़ के नहीं बोल रहा, विकिपीडिया में सर्च करके आप देख सकते हैं। 50,000 लोगों को, 50,000 लोगों को मार दिया गया था। मतलब जो पहला हमला मोहम्मद गजनी ने किया था सोमनाथ मंदिर पे, और पूरे तहस नहस कर दिया उस मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को तो 7 बार तोड़ा गया था, औरंगजेब ने तोड़ा, खिलजी ने तोड़ा, मतलब लंबी लिस्ट है, मतलब बताया नहीं जा सकता। आप उतना ही जानना चाहते हैं तो आप मदुरई सुल्तनत, एक थी मदुरई सल्तनत, उसका रूल सेक्शन विकिपीडिया में पढ़ें। उसमें मतलब इतनी क्रूरता की मतलब बात की गई है कि मतलब हिंदुओं को किस तरीके से मारा जाता है। जैसे कोई भी हिंदू दिख गया तो मतलब उसको सीधे मतलब काट देना है, सूली पे चढ़ा देना है, महिलाओं के बच्चे उनके गोदियों पे मार दिए जाते थे। मतलब ये आपको मैं मदुरई सुल्तनत, आप थोड़ा विकिपीडिया में इसको सर्च करें, मदुरई सल्तनत का रूल सेक्शन थोड़ा पढ़े, उसमें इब्न बतूता की मतलब बहुत सारी कमेंट्री है, उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा कि मतलब कैसा था इस्लामिक रूल। और अभी के आप इतिहास में पढ़ेंगे 6 7 क्लास के, तो ये इसमें ये दिखाते हैं कि मतलब उन्होंने ताजमहल बनाया था, फतेहपुर सीकरी बनाई थी, उनमें कभी नहीं दिखाएंगे कि किस तरीके से मारा गया और किस तरीके से हमारे कल्चर को बर्बाद किया गया। तो मैं समझता हूँ हिंदू राष्ट्र बनने के बाद शायद ये फायदा हो कि हमारा कल्चर फिर से वो विश्व गुरु का वो वापस आ जाए, तो वो हो सकता है। और आपको तो मैंने दिखा ही दिया कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है, फिर से मैं आपको दिखा दूं। ये जैसे इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की है, ध्यान से देखें इसको। इसका मैं आपको अमेंडमेंट सेक्शन में जाता हूं। देखिए, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, देखिए क्या क्या बदल सकता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर जो तरीका है उसको बदल सकता है सरकार, इतना पावरफुल हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ पावर मतलब एग्जीक्यूटिव जो है हमारे प्रधानमंत्री का पावर को बदल सकता है, कितना पावर होगा उनका। सुप्रीम और हाईकोर्ट को बदल सकता है, सुप्रीम और हाईकोर्ट जो है हमारा उसको खत्म कर सकता है, सरकार के पास इतना पावर हो जाएगा। 7th शेड्यूल जो मतलब कॉन्करेंट लिस्ट है हम लोग का, मतलब जो है कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, उसको चेंज कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी बदल सकता है हमारा सरकार। और मतलब पार्लियामेंट का पावर किसी भी चीज को अमेंड करने का, जो अभी करेंगे। तो मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब नियम क्या है, लोकसभा में मेजोरिटी 2/3 का होना चाहिए, राज्यसभा में भी वही मेजोरिटी होना चाहिए,
और स्टेट में 15 स्टेट में कम से कम आधा स्टेट, जितना भी हिंदुस्तान में स्टेट है जैसे 28 स्टेट है, तो 28 का मतलब आधा कितना हुआ 14। 14 स्टेट में अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी आपका होगा 272 और राज्यसभा में आपका मतलब उसका 50% का 2/3, तो मतलब दोनों में मेजोरिटी है, तो वहां से बिल पास होगा, फिर 15 स्टेट का कंसेंट होगा, उस पास हो जाएगा तो मतलब हमारा संविधान खत्म और हिंदू राष्ट्र बन सकता है।